So let us try to understand reproduction in organism. So first question is, what is reproduction? Reproduction is the process in which any organism is going to reproduce from its own kind of type of organism. In किसी भी organism का अपने जैसा, ठीक है ना? Organism या offspring reproduce करना क्या कहलाता है? Reproduction कहलाता है, ठीक है? और simply इस earth पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेकर के माइक्रो ऑर्गेनिज्म सारे के सारे जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं सबके अंदर क्या है ये रिप्रोडक्शन प्रोसेस पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज लाइफ स्पैन, ठीक है ना? तो सिंपल समझो, लाइफ स्पैन क्या है? लाइफ स्पैन इज द टाइम पीरियड या पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ, यानी बर्थ से लेकर के और नेचुरल डेथ तक का जो टाइम पीरियड है ना, इसको क्या बोलते हैं हम? लाइफ स्पैन बोलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि क्या लाइफ स्पैन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बॉडी साइज से, ठीक है? यानी कि बॉडी साइज जितनी बड़ी रहेगी क्या लाइफ स्पैन उतना ज्यादा रहेगा, या लाइफ स्पैन जितना कम रहेगा बॉडी साइज उतनी छोटी रहेगी, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है ना? यानी कि लाइफ स्पैन का बॉडी साइज से कोई रिलेशन नहीं है। होता है, जैसे आप एग्जांपल के थ्रू देख लो, आपने सो लिया कौवा और एक पैरट, दोनों का बॉडी साइज सेम होगा, बॉडी साइज क्या है सेम है, लेकिन दोनों का लाइफ स्पैन सेम नहीं है। कौवे का लाइफ स्पैन 5 से 10, जबकि एक पैरट तोते का लाइफ स्पैन जो होता है वो 100 से 150 साल तक हो सकता है, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल आप ले सकते हो, जैसे पीपल ट्री और बनियान ट्री, पीपल ट्री का लाइफ स्पैन होता है 2000 से 2500 साल, ठीक है, जबकि जो बनियान ट्री है इसका लाइफ स्पैन होता है 100 साल 200 साल या 300 साल। दोनों साइज में क्या है? सेम है, लेकिन दोनों का क्या है? लाइफ स्पैन जीवन अवधि बराबर नहीं है, ठीक है। तो हम कभी भी ये नहीं कह सकते हैं कि बॉडी साइज लाइफ स्पैन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि एक बात और है कि जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना, जिसका BMR बेसल मेटाबॉलिक रेट, जिस ऑर्गेनिज्म का BMR बेसल मेटाबॉलिक रेट, व्हाट इज बेसल मेटाबॉलिक रेट, तो सिंपली द रिक्वायर्ड एनर्जी फॉर प्रोसीडिंग एनी मेटाबॉलिक इंटरवेंशन, मिनिमम एनर्जी जो किसी सेल के लिए जो क्या कर सके, किसी भी सेल के मेटाबॉलिक रिएक्शन को क्या कर सके, प्रोसीड कर सके और एनर्जी रिलीज हो सके। सिंपल सी बात समझिए, किसी भी सेल के लिए वो मिनिमम से मिनिमम एनर्जी जो उस सेल के सारे मेटाबॉलिक फंक्शन को क्या कर सके, एक्टिवेट कर सके, प्ले कर सके, उसी को बोलते हैं BMR। एक बात जरूर है कि BMR इज 1/ लाइफ स्पैन, ठीक है, यानी जिस ऑर्गेनिज्म का BMR ज्यादा होगा ना उसकी लाइफ स्पैन छोटी है, ठीक है। जैसे सपोज दैट मेक फ्लाई की बात करते हैं, मेक फ्लाई का लाइफ स्पैन 1 दिन का होता है, ठीक है, या दूसरे भी छोटे ऑर्गेनिज्म की बात करो, ठीक है, जैसे मक्खी की बात करो, बटरफ्लाई की बात करो, इनका BMR बड़ा फास्ट होता है, BMR फास्ट होता है, तो BMR फास्ट होने के कारण क्या है, इनकी लाइफ स्पैन जो होगी वो काफी छोटी होगी। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, जिस इंडिविजुअल का BMR ज्यादा होगा उसकी लाइफ स्पैन छोटी होगी, ठीक है, यानी जीवन अवधि छोटी होगी, और जिसका BMR कम होगा, ठीक है ना, तो BMR इज 1/ लाइफ स्पैन, ठीक है। अब जैसे बात करते हैं ऑर्गेनिज्म, जैसे कि सिंपली जैसे कोई व्यक्ति खूब ज्यादा खाना खाता है, ठीक है, खूब ज्यादा खाना खाता है और खाने के साथ साथ क्या है वो उतनी ज्यादा एक्टिविटी प्ले नहीं कर रहा, उतना ज्यादा काम नहीं कर रहा, ठीक है, इससे क्या होगा ना, उसके ढेर सारे खाना खाने के कारण और एक्सरसाइज या कोई भी एक्टिविटी प्ले ना कर पाने के कारण जो है क्या होगा, ऐसे पर्सन की जो लाइफ स्पैन वो घट जाती है। बात में समझ में, अब जरा ध्यान दीजिएगा, अभी मैंने बताया रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, देन मैंने आपको बताया लाइफ स्पैन, ठीक है, लाइफ स्पैन क्या है, देन मैंने बताया आपको लाइफ स्पैन का BMR से क्या रिलेशन, देन मैंने फिर बताया आपको कि बॉडी साइज
और BMR का सॉरी बॉडी साइज और लाइफ स्पेंड का कोई कोरिलेशन नहीं। एक छोटा सा कछुआ ठीक है जिसका BMR बहुत स्लो चलता है जबकि उसकी लाइफ स्पेंड कितनी होती है 100, 150, 200 साल तक होती है। बात में समझ में आई? तो किसी भी ऑर्गन के बॉडी साइज से आप उसके लाइफ स्पेंड का अंदाजा नहीं लगा सकते। बॉडी साइज छोटी हो सकती है और लाइफ स्पेंड क्या है उसकी बहुत ज्यादा हो सकती है। जैसे मैंने अभी एग्जांपल बताया पीपल और बनियान दोनों के दोनों साइज में लगभग एक ही होते हैं लेकिन पीपल क्या है 2000 से 3000 साल जबकि बनियान ट्री जो होगा वो 100, 200, 300 साल तक जीवित है। ठीक है मेरी बात समझ में आ रही है? चलिए सो नेक्स्ट टॉपिक इज रिप्रोडक्शन इज टू टाइप्स। बचपन से आप पढ़ते चले आ रहे हो रिप्रोडक्शन क्या है दो टाइप्स का होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जरा ध्यान दो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मींस अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच टू गैमेट्स आर इन्वॉल्व। ठीक है ना ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें दो अलग अलग इंडिविजुअल्स के गैमेट्स हैं दोनों फ्यूज हों और नए ऑफस्प्रिंग का क्या हो प्रोडक्शन हो ऐसे रिप्रोडक्शन को बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंपली क्या होगा कि एक पेरेंट्स क्या है दो ऑफस्प्रिंग में डिवाइड हो सकता है उसके लिए डिफरेंट टाइप्स के गैमेट्स की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। ठीक है अब जरा ध्यान दीजिएगा हमारा टॉपिक होगा प्लांट रिप्रोडक्शन हमें पढ़ना है। ठीक है ये आता है आपके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो सबसे पहला टॉपिक है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो कि क्या है इसी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक पार्ट है। व्हाट इज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन तो जरा ध्यान दीजिएगा सबसे पहला मैं आपको बताऊं व्हाट इज प्रोपेग्यूल्स। प्रोपेग्यूल्स क्या है सिंपली प्लांट्स बॉडी के अंदर रूट्स में लीव्स में स्टेम में ठीक है ना छोटे छोटे प्रोपेग्यूल्स पाए जाते हैं। ठीक है यानी कि प्रोपेग्यूल्स हैविंग द पोटेंशियल फॉर डिवीजन। ठीक है ना प्रोपेग्यूल्स के पास क्या है वो पोटेंशियल है कि वो डिवीजन कर सकता है एंड फॉर्म न्यू प्लांट्स। यानी प्रोपेग्यूल्स वो छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं जैसे रूट्स आपने बचपन में क्या किया होगा रोज गुलाब के पौधे का स्टेम लिया होगा उसको कट किया होगा और मिट्टी के अंदर पुट किया होगा तो क्या है वहां से एक नया प्लांट ग्रो किया होगा। ठीक है तो यहाँ पर क्या है आप जब उस स्टेम को लेते हो तो वहां पर छोटे छोटे नोड्स होते हैं और उन्हीं नोड्स पे गांठों पर क्या पाया जाता है प्रोपेग्यूल्स पाया जाता है और वही प्रोपेग्यूल्स क्या करते हैं नए प्लांट्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो सिंपली जानिए टॉपिक है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ठीक है ना यानी कि प्लांट्स में स्टेम रूट लीव्स या उसके अदर पार्ट से कैसे हम क्या है नए प्लांट को ग्रो करा सकते हैं। सिंपली समझिएगा जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है वो किसके द्वारा पॉसिबल होता है प्रोपेग्यूल्स के द्वारा पॉसिबल होते हैं। प्रोपेग्यूल्स वो स्ट्रक्चर होते हैं जिससे क्या है एक नए प्लांट्स का ओरिजिन हो सकता है। वो प्रोपेग्यूल्स आपके स्टेम में भी हो सकता है रूट्स में भी हो सकता है लीव्स में भी हो सकता है। ठीक है ना कहीं भी हो सकता है। ठीक है अब जरा ध्यान दीजिएगा तो सिंपली जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है वो किससे होता है स्पेशली प्रोपेग्यूल्स। ठीक है अब बात करते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ये दो टाइप्स का होता है नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। ठीक है तो नाम से ही क्लियर है ऐसा प्रोपेगेशन ऐसा रिप्रोडक्शन जो क्या हो नेचुरली ऐसे रिप्रोडक्शन को बोलते हैं नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। और ऐसा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो आर्टिफिशियली हो उसमें ह्यूमन का इंटरफेरेंस हो ह्यूमन उसमें इन्वॉल्व हो ऐसे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन को क्या बोलेंगे आर्टिफिशियल। ठीक है तो सबसे पहले हम देखेंगे नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की अगर हम बात करते हैं ठीक है तो इसमें सिंपल क्या होगा तो ध्यान दीजिएगा इसमें स्वीट पोटैटो एग्जाम्पल है इसका स्वीट पोटैटो इसके बाद एग्जाम्पल है सीसो रेडिस और ये चार एग्जाम्पल ऐसे देख लीजिए। तो सिंपली बाय रूट्स यानी कि आपने स्वीट पोटैटो खाया है जिसको नॉर्मल लैंग्वेज में कहते हैं ऐसे कुछ बोलते हैं ठीक है उस स्वीट पोटैटो में क्या है अगर मैं स्वीट पोटैटो का स्ट्रक्चर बनाऊं तो वो स्वीट पोटैटो कुछ ऐसा दिखेगा। इस स्वीट पोटैटो के छोटे छोटे आपको आई बोर्ड्स दिखेंगे बहुत ही स्मॉल टाइप के आई बोर्ड्स दिखेंगे। ठीक है अगर ध्यान दीजिएगा यही आई बोर्ड्स एक्ट लाइक अ प्रोपेग्यूल्स
प्रोकैरियोट। सबसे पहले समझो कि ये स्वीट पोटैटो बना कैसे, ठीक है। तो अगर मैं इसको पूरा बनाऊं तो ये पौधा कुछ ऐसा दिख रहा है। मान लीजिए स्वीट पोटैटो का प्लांट है, ठीक है, ये इसके लीव्स हैं, ये इसका स्टेम है और ये इसका क्या था, रूट, ठीक है। इस प्लांट ने जो भी फोटोसिंथेसिस के द्वारा जो भी स्टार्च बनाया, वो स्टार्च को ला करके क्या किया इसने, इसी रूट्स में कलेक्ट कर दिया, इसी रूट्स में कलेक्ट कर दिया। अब क्या हुआ, ये रूट्स आपको स्वेल दिखने लगा, फूला हुआ दिखने लगा, बात में समझ में। तो यहाँ भी क्या है, स्वीट पोटैटो एक मॉडिफाइड रूट्स। भाई रूट्स का काम क्या होता है, वाटर एब्जॉर्ब करना। लेकिन आपने ये भी पढ़ा होगा कि अनफेवरेबल कंडीशन में कभी कभी रूट्स कुछ अलग टाइप्स के भी काम करते हैं। यहाँ पे क्या है, रूट्स ने ढेर सारा एडिपोसाइट्स टिश्यूज में या अपने स्टोरेज टिश्यूज में क्या किया, ढेर सारा स्टार्च डिपॉजिट कर लिया, ठीक है। तो अब क्या होगा, यहाँ पर छोटे छोटे आपको आइज लाइक स्ट्रक्चर दिखेंगे जो एक्ट लाइक अ प्रोपेट्यूल्स। कैसे वर्क करेंगे, प्रोपेट्यूल्स की तरह वर्क करेंगे, ठीक है। और इन्हीं प्रोपेट्यूल से क्या होगा, इन्हीं प्रोपेट्यूल से फिर से नए प्लांट्स का ओरिजिन हो सकता है। यानी आप इस आलू को, सॉरी स्वीट पोटैटो को कई पार्ट में कट कर मिट्टी में पुट कर दो तो हर नोड से क्या होगा, एक नए प्लांट का ओरिजिन होगा। बात नहीं समझ में आ रही, तो एक्चुअल में हम इसको कराते नहीं, ये नेचुरली क्या है, प्रोसीड होता रहा है। इसलिए इसको क्या करें, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय, बात नहीं समझ में आ रही। एग्जाम्पल है स्वीट पोटैटो शिशु, डेलबर्गिया शिशु, शिशु का पेड़ आपने देखा होगा, उसमें भी पाया जाता है। रेडिस एंड कैरोट, रेडिस और कैरोट जो आप खाते हो उसमें भी आप देखोगे तो छोटे छोटे आइज लाइक स्ट्रक्चर दिखते हैं। वही आइज लाइक स्ट्रक्चर क्या है, न्यू प्लांट्स को ओरिजिन करेगा, ठीक है। अभी हमने देख लिया नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में सबसे पहला बाई, कोई दिक्कत समझ में आया, यानी सिंपल समझिए, प्रोपेगेशन means asexual reproduction in plants which performed by a special type of cells that is called propagules। यानी वो propagules एक special types के tissues हैं जिनके पास वो capacity है कि क्या कर सकते हो, एक नए plants को कौन जन्म दे सकते हैं। उसमें हमने सबसे बड़ा पढ़ा, पहला पढ़ा by roots, example sweet potato, शिशु, डेलबर्गिया शिशु, radish, carrot, ये सारे क्या है के एग्जांपल्स, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पाई अंडरग्राउंड सिस्टम्स, ठीक है। पहला हमने पढ़ा था क्या, रूट्स, यानी रूट्स के थ्रू कैसे नए प्लांट्स का ओरिजिन होता है, ठीक है। दूसरा है बाई अंडरग्राउंड स्टेम्स, यानी ऐसा स्टेम जो डायरेक्टली आपके एनवायरनमेंट में एक्सपोजर ना हो, क्या हो, वो मिट्टी के अंदर बरी हुई दबा हुआ फंसा हुआ, ठीक है ना। तो ऐसे स्टेम को क्या बोलते हैं हम, बाई अंडरग्राउंड स्टेम। अब जरा ध्यान दीजिएगा, कुछ ऐसे भी एग्जाम्पल्स हैं जिसमें क्या है, अंडरग्राउंड स्टेम में प्रोपेग्यूल्स पाए जाएंगे और वो प्रोपेग्यूल्स क्या है, नए प्लांट्स को ओरिजिन करेंगे, बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं राइजोम्स। तो राइजोम्स में जानिएगा, बनाना, टर्मरिक और जिंजर, बनाना, टर्मरिक एंड जिंजर, जिंजर जो भी पढ़ो, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज राइजोम्स, राइजोम्स क्या, ठीक है। तो जरा ध्यान दीजिएगा, राइजोम इज अ अंडरग्राउंड स्टेम, rhizome is an underground stem which grows horizontally compared to vertically। यानी ये ऐसा underground stem है जो क्या है, तो क्या है, vertically ना grow करके क्या है, horizontally grow करता है। तो जैसे मैं इसका figure अगर बना के आपको दिखाऊं, ठीक है, तो आप ऐसे figure बना सकते हो। इसे आप लिखोगे न्यू बड नोट्स। अब ये लिखिए है
स्वेलन पार्ट, ठीक है, अदरक आदि जिंजर जिसको कहते हो, ठीक है। ये एग्जांपल है राइजोम का। सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज राइजोम, राइजोम है क्या? तो राइजोम एक अंडरग्राउंड स्टेम, क्या है? अंडरग्राउंड स्टेम, जमीन के अंदर धंसा हुआ एक स्टेम, ठीक है। फर्क क्या है उसको अंडरग्राउंड स्टेम राइजोम क्यों नाम ले रहे हैं? क्योंकि ये स्टेम वर्टिकली ना, अगर स्टेम का क्या नेचर होता है, स्टेम तो ऊपर की तरफ ग्रो करता है ना, लेकिन ये ऐसा स्टेम है जो वर्टिकली ना जाकर क्या है, हॉरिजॉन्टली ग्रो कर रहा है। और इसके पास एक और भी खास बात है, क्या है? तो इसके पास स्टोन फूड मैकेनिज्म होता है, जैसे आदि आप खाते हो अदरक, खाते हो तीखा लगता है, वो क्या है उसका स्टोन मटेरियल, ठीक है। तो अदरक हुआ, टर्मरिक हुआ, एंड बनाना तिलक, ये सब किसके एग्जांपल है? राइजोम्स के एग्जांपल। अब जरा इस राइजोम पे देखिए, छोटे छोटे न्यू बर्ड्स दिख रहे हैं। दीज न्यू बर्ड्स हैविंग या एक्ट लाइक अ प्रोपैग्यूल्स, एक्ट लाइक अ प्रोपैग्यूल्स व्हिच फॉर्म न्यू प्लांट्स, यानी यही प्रोपैग्यूल्स है, बर्ड है, क्या कर सकता है? नए प्लांट्स को बना सकता है। अपनी समझ में? तो अभी आपने जाना राइजोम्स, कोई दिक्कत? अंडरग्राउंड है, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पर देखो, इसमें अलग से रूट निकले हो, आप ऐसे समझो कि अंडरग्राउंड है, ठीक है। यहाँ से मान लो यहाँ पर मैंने प्लांट ग्रो करा, ठीक है। तो जो भी स्टार्च या फूड का जो भी डिपोजिशन हो रहा है, एक्युमुलेशन हो रहा है, वो इसके स्टेम रीजन में हो रहा है, स्टेम में हो रहा है, ना कि रूट्स में हो रहा है। अभी जो पहला एग्जाम्पल मैंने देखा था स्वीट पोटैटो का, वहाँ पर रूट्स में फूड एक्युमुलेट हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, स्टेम में एक्युमुलेट हो रहा है, ठीक है। तो स्टेम में एक्युमुलेट होने का क्या है, ये स्टेम थोड़ा सा मोटा दिखने लगता है, कुछ अदरक आप खाते हो देखते हो कैसा स्ट्रक्चर उसका दिखता है, एक्चुअल में वो स्टेम है, ठीक है। और इसको राइजोम क्यों बोलेंगे, क्योंकि स्पेशली ये क्या है, वर्टिकल ना होकर के हॉरिजॉन्टल ग्रो कर रहा है और जमीन के अंदर दबा हुआ है, धंसा हुआ है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम, राइजोम, ठीक है। बनाना भी इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। जहाँ पे पेड़ बनाना का पौधा होगा ना, वहाँ पर जब आप डिगिंग करोगे, खुदाई करोगे, तो आपको समझ में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका कॉर्म्स। तो कॉर्म्स के एग्जाम्पल हैं ग्लैडियोलस और ग्लैडियोलस एंड कोलोकैसिया, ग्लैडियोलस एंड कोलोकैसिया। तो जरा एग्जाम्पल समझो, व्हाट इज कॉर्म्स? कॉर्म्स इज अ अंडरग्राउंड स्टेम, कॉर्म्स इज अ अंडरग्राउंड स्टेम विच लोडेड बाई अ लार्ज अमाउंट ऑफ स्टार्च या स्टोरेड, जैसे आप अपने नॉर्मल लैंग्वेज में उसको बोलते हो सूरत, कोलोकैसिया को क्या बोलते हो, कुछ ऐसा होता है, वो मोटा सा होगा ऐसे स्ट्रक्चर, उस पर छोटे छोटे, ठीक है। दैट इज अ कॉर्म्स। कॉर्म्स क्या है? कॉर्म्स इज अ अंडरग्राउंड स्टेम विच हैविंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ स्टोरेज फूड, स्टोरेज मटेरियल्स, ठीक है। और ये कॉर्म्स गोल सा एक मास हैवी स्ट्रक्चर दिखेगा, कॉर्म्स, सूरन आपने खाया होगा, गोल से होता है, ठीक है। तो ये एग्जांपल आपका किसका, कॉर्म्स। और इसी कॉर्म्स में आप देखोगे तो छोटे छोटे गांठ दिखेंगे, नॉट्स दिखेंगे, ठीक है। और उसी को आप कट करके कहीं दूसरी जगह पुट कर दो, एक्चुअल में हम नहीं करते, वो नेचर ऑटोमेटिकली नेचर में होते रहते हैं, यहीं से एक नया पौधा ग्रो कर जाएगा, फिर यहाँ से एक न्यू प्लांट ग्रो कर जाएगा। और इस न्यू प्लांट से क्या है, एक दूसरे कोलोकैसिया का फॉर्मेशन होगा, नहीं समझ में आ रहा है? तो कॉर्म्स क्या है, एक अंडरग्राउंड स्टेम, ठीक है, जिसके अंदर ढेर सारा स्टार्च क्या होता है या फूड मटेरियल जमा होता है, और साथ ही साथ इसमें गांठें पाई जाती हैं, नोड्स पाया जाता है, एंड दैट नोड्स एक्ट लाइक अ प्रोपैग्यूल्स, ये प्रोपैग्यूल्स की तरह वर्क करता है, जो क्या करेगा, न्यू प्लांट्स को ग्रो करेगा। समझ में, कॉर्म्स क्या होता है, कॉर्म्स एक मॉडिफाइड अंडरग्राउंड स्टेम है, जिसके पास क्या है, ढेर सारा फूड मटेरियल, और इसमें नोड्स होंगे, प्रोपैग्यूल्स होंगे, और वही प्रोपैग्यूल्स क्या करेगा, न्यू प्लांट्स को ओरिजिनेट करेगा। क्लियर है बच्चे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम बल्ब की। एग्जांपल है गार्लिक एंड ऑनियन, बल्ब गार्लिक एंड ऑनियन। अब बल्ब में देखिए क्या है, तो एक्चुअल में बल्ब इज ऑल्सो अंडरग्राउंड स्टेम, बल्ब इज
also a underground system. जैसे मैं structure बनाऊँ, तो अब जरा इसी structure को देखिए। तो यहाँ पर जो structure था, ये इसका root हो गया, stem and that is exposure point. So stem ये ये हो गया आपका यहाँ पर बल्ब क्या है तो बल्ब इज अंडरग्राउंड स्टेम विच हैविंग अ लॉट अमाउंट ऑफ पाउच लाइक स्ट्रक्चर्स ठीक है यानी जो स्टेम है ना उसी स्टेम में क्या है ढेर सारे सेक्शंस में क्या जमा हो जाएगा फूड मटेरियल जमा हो जाएगा जैसे आप लहसुन एलियम सेप्पा या अनियन एग्जांपल दे रहा प्याज ठीक है उसमें क्या है जो प्याज की जो सल्क है या जो लहसुन एलियम सेप्पा है उसमें जो छोटे छोटे स्टार्च लोडेड स्ट्रक्चर है वो क्या है उस पूरे स्ट्रक्चर को हम बल्ब बोलते हैं और उस बल्ब के पास वो कैपेसिटी है कि वो नए प्लांट्स को क्या कर सकता है ग्रो कर सकता है ठीक है तो बल्ब का एग्जाम्पल समझ में आया बल्ब इज अ टाइप ऑफ अंडरग्राउंड स्टेम्स विच लोडेड अ लॉट अमाउंट ऑफ फूड मटेरियल इन स्मॉल पाउचेस क्लियर है एग्जाम्पल क्या क्या आपने देखा है ठीक है अनियन और दूसरा गार्लिक सॉरी क्या लिख दिया गार्लिक अनियन है गार्लिक तो ये एग्जाम्पल दोनों क्या हो गए बल्ब के एग्जाम्पल क्लियर मेरी बात ठीक है चलिए नेक्स्ट ट्यूबर्स तो सिंपली ट्यूबर का एग्जाम्पल है आपका पोटैटो ठीक है जैसे पोटैटो में आइए देखते हैं मान लो ये पोटैटो का प्लांट है ये पोटैटो का स्टेम है और ये पोटैटो का क्या हुआ ठीक है और सिंपली क्या है ये मिट्टी के अंदर बरीड है मान लो इसने फोटोसिंथेसिस किया स्टार्च कलेक्ट किया अब ये स्टार्च आकर के यहाँ क्या होने लगेगा कलेक्ट हो रहा है और ये देखो लास्ट में आलू का तो पोटैटो ना स्वीट पोटैटो स्वीट पोटैटो तो जो पोटैटो नॉर्मल हम यूज करते हैं वो पोटैटो क्या है वो ट्यूबर है ट्यूबर ट्यूबर मीन्स अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर अंडरग्राउंड स्टेम विच लुक लाइक अ ट्यूब्स सॉलिड पार्ट नहीं है ठीक है और उसी आलू में देखोगे जब आलू ज्यादा पुराना हो जाता है तो उस पर छोटे छोटे नॉट्स दिखते हैं क्या दिखते हैं नॉट्स दिखते हैं या आई स्पॉट दिखते हैं ऐसा दिखेगा आई स्पॉट और यही आई पॉड एक्ट लाइक ऑफ प्रोपेग्यूल्स कैसे वर्क करेंगे प्रोपेग्यूल्स की वर्क करेंगे ठीक है व्हाट इज प्रोपेग्यूल्स प्रोपेग्यूल्स इज अ स्ट्रक्चर्स व्हिच हैविंग अ पोटेंशियल फॉर ग्रोइंग द न्यू प्लांट्स यानी प्रोपेग्यूल्स वो स्ट्रक्चर होंगे जो किसी न्यू प्लांट्स को जन्म दे सकते हैं तो वही प्रोपेग्यूल्स आपके ट्यूबर में भी पाया जाएगा सो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का थर्ड पार्ट है बाय क्रीपर्स क्रीपर मीन्स आप जानते हो क्रिप क्रिप मीन्स रेंग कर चलने यानी ऐसा ग्रोथ हो ना ठीक है जो वर्टिकली ना पर क्या हो और एक हॉरिजॉन्टल तो सिंपली फाइव क्रीपर्स में एग्जांपल है फर्स्ट एग्जांपल या फर्स्ट टाइप ऑफ क्रीपर इज रनर्स क्या जैसे आप घास के मैदान में देखते हो जो ग्रास का पेड़ होता है वहां पे ग्रास को कई स्पॉट्स में लगाया जाता है कुछ यहाँ कुछ यहाँ कुछ यहाँ और दो महीने तक पानी देते हैं देखते हो कुछ ही दिनों बाद पूरी घास से वो पूरा फील्ड भर जाता है हुआ कैसे देखिए आइए देखते हैं रनर्स इसका एग्जांपल है जैसे मान लो ये ग्रास है ठीक है तो ग्रास का होगा क्या एक स्टेम मिट्टी के अंदर बरी हो जाएगा ठीक है और इससे क्या होगा यहाँ से नया रूट निकलेगा और फिर एक नया ग्रास ठीक फिर इसका एक स्टेम बरी हो जाएगा हुआ और इससे नया रूट और न्यू ग्रास हो जाएगा फिर इसी का एक स्टेम यहीं पर परिणत हो जाएगा फिर न्यू ग्रास का फॉर्मेशन तो देख रहे हो एक्ट लाइक अ रनर ये कैसे ग्रो कर रहा है ये सरफेस पे हॉरिजॉन्टली ग्रो कर रहा है रन कर रहा है जैसे लग रहा है जैसे एक स्टेम परिणत हुआ और उसी से न्यू प्लांट निकला फिर स्टेम परिणत हुआ न्यू प्लांट निकला तो आप बताओ जो स्टेम परिणत हो रहा है दीज एक्ट लाइक अ प्रोपेग्यूल्स क्योंकि हम पढ़ क्या रहे हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन तो ये जो बड़ी हुआ स्ट्रक्चर है ना स्टेम का ये कैसे वर्क कर रहा है एक प्रोपेग्यूल की तरह वर्क कर रहा है बात समझ में
तो पहला एग्जांपल हुआ पाइप क्रीपर, मींस ऐसा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो क्रीप करके हो रहा है, इट मींस रेक करके वो बहुत तेजी से स्प्रेड कर रहा है, जिसमें पहला एग्जांपल आपका रनर्स, रनर्स एग्जांपल आपका ग्रास। नेक्स्ट स्टॉलॉन्स, स्टॉलॉन्स का एग्जांपल है स्ट्रॉबेरी एंड वेलिसिटेरिया, स्ट्रॉबेरी एंड वेलिसिटेरिया। तो सिंपली जो स्ट्रॉबेरी और वेलिसिटेरिया होगा इसमें भी ये क्या करेगा, जो भी ग्रोथ करेगा ना वो कैसे ग्रोथ करेगा, हॉरिजॉन्टली सरफेस पे बहुत तेजी से ग्रोथ करेगा। तो स्टॉलॉन्स जैसे यहाँ पर ग्रास में हम इस रीजन को क्या कर रहे हैं, ये प्रोपेगेशन की तरफ बढ़ कर रहा है, ऐसे ही स्ट्रॉबेरी और वेलिसिनेरिया में भी जो स्टॉलॉन्स होंगे ना वो स्टॉलॉन्स में स्टेम या एक लूज टाइप का जो स्टेम मिट्टी के अंदर बरीड हो जाएगा और उससे क्या है एक न्यू प्लांट्स का ओरिजिन होगा। तो ये दूसरा एग्जाम्पल क्या होगा, क्रीपर्स का दूसरा पार्ट स्टॉलॉन्स। हाँ दोनों सेम है लेकिन एक्चुअल में ये हॉर्स में पाया जा रहा है, आइए इससे क्या है थोड़ा एडवांस टाइप के प्लांट होता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है आपका ऑफसेट। ऑफसेट का अगर मैं आपको एग्जांपल दिखाऊं तो ये ज्यादातर पाया जाता है, जैसे एग्जांपल ले सकते हैं इकॉर्निया, ठीक है ना, जो कि एक एक्वेटिक प्लांट है। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं इकॉर्निया का तो कुछ ऐसा आपने स्ट्रक्चर जो है तालाब के किनारे ढेर सारा देखा होगा, जिसको बोलते हैं हम ब्रायोफिला।
कॉर्नर वाला पार्ट होता है, इसी कॉर्नर वाले पार्ट पे छोटे छोटे आपको ऐसे प्रोपेग्यूल्स देखने को मिलेंगे। और इसी प्रोपेग्यूल से क्या है, एक प्रिमिटिव रूट्स और छोटे छोटे प्लांट देखने को मिलेगा। ठीक है, एक्चुअली जब ये लीव्स अपने पैरेंटल प्लांट से टूटकर अलग होती है और जब ये मिट्टी में जाती है तो तुरंत इन रूट्स को क्या मिल जाता है, एक बेस मिल जाता है। सही चलिए, तो सोया के बाद क्या है, अब इससे नए पौधे हो सकते हैं। सिंपल समझिए, बाय लीव्स यानी कि यहाँ पर प्रोपेग्यूल्स कौन वर्क कर रहा है, यहाँ पर एक लीव का जो मार्जिनल पार्ट है, किनारा वाला जो हिस्सा है, वो क्या कर रहा है, एक प्रोपेग्यूल्स की तरह वर्क कर रहा है। यानी कि जब आपका लीव्स ये क्या करने लगे, एक प्रोपेग्यूल्स की तरह वर्क करे, ठीक है, तो इसका सबसे पहला एग्जाम्पल है आपका ब्रायो फिलम। ठीक है, पहला एग्जाम्पल आपका ब्रायो फिलम, दूसरा एग्जाम्पल आप कह सकते हो बिगोनिया, तीसरा एग्जाम्पल है सेंट पॉलिया। ब्रायोफिलम, डिगोनिया एंड सेंट पॉलिया, तो ये तीन एग्जांपल्स हैं तो किसको शो कर रहे हैं, बाय लीफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन शो कर रहे हैं। तो बाय लीफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन में सिंपल क्या है कि जो लीफ का पेरिफेरल रीजन होगा वहां पर कुछ सेल्स प्रोपेग्यूल्स की तरह वर्क करेंगे और वहीं पर जब क्या होगा, इसके लायक फेवरेबल कंडीशन मिलेगा, थोड़ी सी इन्वायरमेंट मॉइस्चरिटी बढ़ेगी, तो यहाँ पर आपको छोटे छोटे रूट्स और छोटे छोटे न्यूनेटल प्लांट्स देखने को मिलेंगे। और जब ये लीव्स अपने पैरेंटल प्लांट से टूटकर अलग होगी जमीन में जाएगी तो इनको एक बेस मिलेगा जिससे क्या है, एक न्यू प्लांट्स का ओरिजिन। बात फिर समझ में आ रही है, तो ये हो गया आपका बाय लीव्स। नेक्स्ट बाय बल्बिल्स। ठीक है, तो पहले इसका स्ट्रक्चर बना दें बल्बिल्स का। बल्बिल्स एक ये ऑक्सेलिस कुछ इजाम्पल जैसे मैंने यहां पर बनाया है, एक ये, ठीक है, दूसरा एग्जांपल इसका है ऑक्सेलिस, ठीक है, अनानास है आपने, ठीक है, और लिली, ठीक है, कुछ एग्जांपल हैं आपके बल्बिल्स के। अब समझिए बल्बिल्स क्या है, सिंपली जो सूट है ना, सूट, उसी सूट में, हाँ ठीक है, जो सूट होगा, अब इसी सूट में जो स्टार्च है या जो फूड मटेरियल, वो क्या होने लगेगा, वहां पर डिपॉजिट होने लगेगा। ठीक है, और उसी डिपॉजिट के कारण ये स्वेलिंग पार्ट दिखने लगेगा, कई हिस्सों में जो है ऐसे स्वेलिंग पार्ट दिखने, इन स्वेलिंग पार्ट में ये जो रीजन दिख रहा हो बट बढ़ते कर रहा हूँ, यही एक्ट लाइक अ प्रोपेग्यूलस, यही प्रोपेग्यूलस की तरह बढ़ता है। जैसे ये देख रहे न्यू प्लांट निकला हुआ है एडीएम का, तो ये कैसे निकला हुआ है, ऐसा ही कुछ स्ट्रक्चर यहाँ पे रहा होगा प्रोपेग्यूलस, और ये फिर से क्या है, एक न्यू प्लांट को रोक दिया होगा। तो एक्चुअल में बल्बिल्स हैं क्या, बल्बिल्स इज अ सूट विच लोडेड बाई अ लार्ज अमाउंट ऑफ फूड मटेरियल। बल्बिल्स क्या है, एक स्वेलिन, एक फूला हुआ पार्ट जिसमें क्या लोड है, ढेर सारा फूड मटेरियल। और उसी बल्बिल्स के कुछ किक पॉइंट्स होंगे जिनको पॉड्स बोलेंगे, और उसी पॉड्स पे क्या पाया जाएगा, प्रोपेग्यूल्स होंगे, और वही प्रोपेग्यूल्स क्या करेगा, एक न्यू प्लांट को ग्रो करेगा। तो जरा ध्यान दीजिएगा, बल्बिल्स के कुछ एग्जांपल हैं जैसे एगेव, ऑक्सेलिस, अनानास और लिली। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं किसके हैं, आपके और ये बल्बिल्स जो है ये कुछ एक्वेटिक प्लांट्स में भी दिख रहा है, ठीक है, कुछ
एंजियोस्पर्म के पेरिस्टल प्लांट्स में, ठीक है, लीविंग क्या है, लीविंग पेरिस्टल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है रियोम्स। अब देखो रियोम्स में एग्जांपल है पुट्टा मेगाटन और यूट्री फ्लेरिया। ये इतने सारे अभी आपने